गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के तहत क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके थे, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन का हेडिंग क्या लिखा गया है, समझेंगे क्वेश्चन को हेडिंग के। क्वेश्चन का हेडिंग क्या है, वह छोटी सी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी सी संख्या ज्ञात करें जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसके तहत 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 256, दूसरा है 2125, तीसरा है 1408 और चौथा 192। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको छोटे छोटे अंकों द्वारा पहले इसको खंडित करेंगे, यानी इसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद इसको गुणा रूप में सजाएंगे, फिर उसके बाद उसमें से 3-3 अंक लेकर के हम लोग जोड़ा लगाएंगे, और 3-3 अंक जोड़ा लगाने के बाद जो शेष अंक बच जाएगा वही संख्या का सही आंसर होगा, यानी वही वह छोटी से छोटी संख्या होगा। फिर हम समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, इसको तोड़ेंगे पहले 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दुगुनी 4, 2 8 16, कर दिया पूरा पूरा, कितना है 2 से 2 6 12, 2 4 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दुगुनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, कितना है 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 4 8, फिर 2 से 2 दुगुनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, यानी अंतिम अंक 1 प्राप्त हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब इसको लगाएंगे गुणा रूप में, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या है इसको, अब इसको जोड़ा लगाएंगे मिनिमम मिनट से, यानी यहाँ पर बन जाएगा एक जोड़ा, इधर पर बन जाएगा एक जोड़ा, लेकिन यहाँ को 1 2 की और आवश्यकता है पूर्ण घन होने के लिए। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 की आवश्यकता है पूर्ण घन होने के लिए, तो इसलिए वह छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 2 अर्थात 4, क्या लगेगा जी 2 इंटू 2 अर्थात 4, यहाँ लिखेंगे वन छोटी सी छोटी संख्या बराबर वह छोटी संख्या बराबर क्या लिखेंगे जी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 क्या है जी वह छोटी छोटी संख्या है 4, यानी इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा 4। तो यहाँ क्या कह रहा है कि इससे भाग देने पर जो मूल संख्या इसने 256 में 4 से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वह एक पूर्ण घन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सोच के देते हैं आपका आंसर तो यही होगा, ठीक है, आपका आंसर 4 होगा, लेकिन यहाँ जांचेंगे क्या जान सकते हैं कि क्या जो संख्या का दिया गया 256, इसमें हमें जो सबसे छोटी छोटी संख्या मिला है 4, इससे भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगा वह क्या एक पूर्ण घन संख्या होगा अथवा नहीं, तो इसको देखते हैं। तो भाग करेगा 4 6 24 4 3 16, यानी पर आ 64, ठीक है, 64 क्या है 4 का घन है 64, यानी भाग देने पर जो भागफल है एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपको लिखा है समझने के लिए, आपका आंसर होगा 4, क्लियर है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपने दिया है 3125 को दिया है 3125, इसको भी तोड़ेंगे 5 से, ठीक है, क्योंकि इसके लिए 5 है, विषम संख्या है,
करेंगे पांच से पांच छत्तीस, पांच दुगुनी दस, हजार पच्चीस। फिर करेंगे पांच से पांच एकम पांच, पांच दुगुनी दस, हजार पच्चीस। फिर पांच करेंगे पांच दुगुनी दस, हजार पच्चीस। फिर पांच से हजार पच्चीस, फिर पांच से पांच एकम पांच। यानी कि संख्या पूरा पूरा तोड़ दिया गया है, खंडित कर दिया गया है। और जो सजा के घुरा करते हैं, एक दो तीन चार पांच बनाया पांच, लिखेंगे फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इसको आप जोड़ा लगाएंगे, एक बन जाएगा एक जोड़ा। लेकिन यहाँ आपको पूर्ण भरण के क्या एक और पांच की आवश्यकता यहाँ पे आपको है, ठीक है। एक और पांच की आवश्यकता आपको है, ठीक है। तो इसको मैंने लिखना है, तो इसमें क्या तो जाएगा आंसर जी, फाइव इंटू फाइव। यहाँ लिखेंगे वन, वह छोटी सी छोटी, वह छोटी सी छोटी, वह छोटी सी छोटी संख्या बराबर, संख्या क्या जाएगी, फाइव इंटू फाइव, फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, क्या जाएगा इसका ट्वेंटी फाइव आपका आंसर होगा इस प्रश्न का। यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या जाएगी, ट्वेंटी फाइव होगा आपका पच्चीस होगा। अब क्या करें, क्या इसे भाग देने पर जो इस संख्या दिया गया है इक्कीस सौ पच्चीस, इसमें इस छोटी संख्या से भाग देने पर जो भागफल आएगा क्या वह धन संख्या होगा। चलिए इसको देखते हैं, यहाँ ध्यान सुन लेंगे, इक्कीस सौ पच्चीस भाग है पच्चीस। अब आप भाग देंगे तो आपको भागफल मिलेगा एक सौ पच्चीस, क्या मिलेगा जी, एक सौ पच्चीस। यानी भाग देंगे तो आपको पच्चीस हो जाएगा, पच्चीस से कम पच्चीस, ठीक है, जाएगा पच्चीस छब्बीस हो जाएगा बासठ, और दून पचास पच्चीस डेढ़ रुपए पच्चीस, ठीक है, मिलेगा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एक सौ पच्चीस। ये क्या है, इसमें आपका पांच का पूर्ण धन संख्या है, अर्थात एक सौ पच्चीस संख्या है एक पूर्ण धन संख्या, और किसे बनेगी पांच का। तो क्वेश्चन नंबर वन और टू आपको समझ चुके हैं, बचा है क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर। तो दो क्वेश्चन आप लोग स्वयं सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सेम ऐसे सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पर इसको छोड़ना है छोटे छोटे अंकों द्वारा, फिर इसको पुनः तो सजाना है, उसके बाद जो जोड़ा लगाना है, जो संख्या से बच जाएगा वही उसका आंसर होने वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक आप लोग समझ चुके हैं, तीन और चार आप लोग अगले से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।